बहुत खुशी हो रही है, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जो मेहनत से वो वैसे ही काम करेंगे तो ऑलरेडी एमपी और उज्जैन बहुत नेक्स्ट लेवल हाइट्स पे जाने वाले हैं। हमारे विकास पुरुष, हमारे मोहन भैया, आप तो मतलब स्वर्णिम कार्यकाल रहना ही है। जैसे खबर आया हमको फोन लगाना, तुरंत फोन उनको लगाया मैंने। हमने कहा नेताजी सीएम बन गए। प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक बूथ पर जाकर चूड़ा वितरण का कार्यक्रम बहनों के बीच में करते हैं, तो बहनों के साथ उनका एक स्नेह का और रक्षा सूत्र का संबंध तो है ही। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके घर पर उज्जैन में क्या है स्थिति, वो आपको बताते हैं। सुबह से ही हलवा बन रहा है। उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव, लगातार मिठाइयों का सिलसिला रुक नहीं रहा है, तो अब घर पे पहले मिठाई बन रही है क्योंकि ये तो शगुन का हलवा है। कितना उत्साह, क्या है चल रहा है दिल में और क्या कहेंगे? ईश्वर का आशीर्वाद। हाँ, ईश्वर का, महाकाल बाबा का आशीर्वाद है जो ये पद मिला है। इतनी ऊँचाई तक गए हैं, वो बहुत खुशी हो रही है, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कल से लेके लगातार घर पर सिर्फ और सिर्फ लोग आ रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपने देखा स्क्रीन पर? खुशी का कोई ठिकाना नहीं बेटा। हम और दीदी अंगारेश्वर दर्शन करने गए थे। दीदी ने बोला था जैसे खबर आया हमको फोन लगाना, तुरंत फोन उनको लगाया मैंने। हमने कहा नेताजी सीएम बन गए हैं। नेताजी सीएम बन गए हैं। आप ऐसा क्यों कहती है उनको? यही कहते नेताजी बोलते हैं। अभी तक नेताजी से बात हुई है कि नहीं? मुख्यमंत्री तो फोन नहीं आया, मैंने मेरी बात नहीं हो पाई है, फोन स्विच ऑफ था उनका, अभी बात नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री जी अपनी धर्मपत्नी से अभी तक बात नहीं कर पाए हैं? अभी नहीं हो पाई है, काम जरूरी है ना। गुस्सा है, नाराजगी? नहीं नहीं, खुशी है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हो जाएगी। मंदिर गई थी, क्या मांगा और किस तरह से आशीर्वाद मिल गया? अच्छे पद की कामना करी थी तो महाकाल बाबा ने बहुत अच्छा पद दिया है। राज्य में इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, तो उसको कैसे देखती हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ भी आता है। जी, इतना बड़ा पद दिया है तो सब अच्छा ही है, बढ़िया, और आगे अच्छे के लिए काम करेंगे बढ़िया। सीमा जी, आप तो हलवा बना रही है, मैं किरण जी से कहूंगी हलवा बनाए। आप जरा मुझे घर दिखाइए, अभी क्या स्थिति है, मैं आपको घर दिखाती हूँ। बहन उनकी हमारे साथ हैं, कलावती जी, ये बताइए कि अब घर का आपको मैं यहाँ पर देखिए, लोगों का तांता लगातार जारी है, लोग हर जगह से मिलने आ रहे हैं। ये बताइए, फूलों का गुलदस्ता और घर इस समय सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरा हुआ है, आपके अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल, ये एक बहुत खुशी का क्षण है और कल से ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा उज्जैन खुश है। हर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, मेरे परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री बना है, मैं खुद मुख्यमंत्री बनाऊँ, मेरा भाई मुख्यमंत्री बना है। कई सारे कार्यकर्ता मुझसे मिले हैं और वो बड़े प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं कि बहन मैं मुख्यमंत्री हूँ। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। खुद भी राजनीति में थोड़ा बहुत एक्टिव रही हैं, क्या आपका पद है और अब मुख्यमंत्री से कैसे मिलेंगी जाकर? अभी तक तो भाई से थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो जाती थी। जी, ऐसा है कि घर में सबसे छोटे हैं परिवार के सब सदस्यों में भाई, और मैं तो उम्र में उनसे काफ़ी बड़ी हूँ, गोद में मैंने खिलाया उनको, और राजनीति में भी मैं उनसे पहले राजनीति में आई हूँ। वो संघ के स्वयंसेवक थे, विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, मेरा दो बार का पार्षद का कार्यकाल पूरा हुआ था, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में नगर के महामंत्री बने थे। बड़ी बहन का छोटे भाई को सबसे पहली एडवाइस क्या होगी? बस यही कि बड़ी विनम्रता के साथ जिस ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, सेवा भाव के साथ में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से सबको साथ में लेकर अपने अच्छे विजन के साथ मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए, और भगवान महाकाल और बड़े हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारी पार्टी के जो हमारे आशीर्वाद दाता हैं, उन सबको साथ में लेकर सबके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम करें। मान्यता है कि राजा बनने के बाद यहाँ पर रहते नहीं है, तो अब क्या होगा मुझे कोई ये बताए। मेरा तो ये मानना है कि बाबा महाकाल सिर्फ उज्जैन के ही राजा नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, और वो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, और मोहन जी और हम सब तो बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं, उनके सेवक हैं, तो उनके सेवक बनकर उज्जैन में भी रहेंगे, और उज्जैन से बाबा महाकाल अपने भक्त के ऊपर हमेशा कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। सीमा जी, आप क्या की एडवाइस क्या होगी धर्मपत्नी के मुख्यमंत्री का एडवाइस? बढ़िया, अच्छा, और क्या, जो भी
सेवा करने के लिए मौका मिला है, सेवा करेंगे। ये नहीं कहेंगे फोन ज्यादा उठाना हमारा, नहीं ये नहीं कहेंगे, काम जरूरी है ना। अभी ये जो सामंजस्य रहा है, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, और अब सबसे बड़ी आपके रिश्ते को बेहतर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा कौन सी चीज ध्यान रखेंगे? नहीं, समय समय पे जो भी टाइम काम होता है वो करते हैं, और घर का भी समय देते हैं। मतलब समय तो बहुत कम रहता है यहाँ पे रहने का, पर टाइम टाइम पे समय देते रहते हैं। आपका यहाँ क्या उत्साह घर के प्रति, और इस समय सबसे बड़ी खुशी क्या? आंखों में तो मैं आपके आंसू देख रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है तो कि मतलब मेरे भाई देवर है, देवर है मेरे तो भी, वो तो भी मेरे तो, बहुत खुशी हो रही है हमें तो भी। सबसे सुना जाए तो सबसे पहले क्या खिलाएंगे? कुछ भी ऐसा, स्वागत अच्छे से करेंगे, बढ़िया भव्य स्वागत हमारे साथ हैं। आप ये बताइएगा कि आप क्या सबसे पहले, पापा आएंगे तो पापा को क्या खिलाओगे आप, या क्या बोलोगे, क्या 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 करोगे पापा के साथ? सबसे फ्रूट्स, मूंगफली और चने उनको बहुत पसंद है, तो वही जो उनका मतलब बिल्कुल सात्विक भोजन, जैसे कि लौकी की सब्जी उनकी फेवरेट है, और प्लेन रोटी यही बनता है और यही वो खाते हैं। पापा से बात हुई अभी तक, या इंतजार है कि कब बात होगी? बस अभी हुई आज सुबह, कल से सुबह हुई बात। क्या बोले पापा? महाकाल का आशीर्वाद। क्या बोला आपने, क्या बोला, आपको कितनी खुशी थी, क्या शब्दावली थी इस्तेमाल की, क्या बोला, जानना चाहते हैं लोग क्या? कुछ नहीं, बहुत अच्छा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है अपने ऊपर, और बाकी तो फैमिली की बात सब ठीक है ऐसा। और जब आपको पता लगा था तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मैं तो पेशेंट देख रही थी, ऑपरेशन करके जस्ट आई थी, तो आई क्राइड आउट ऑफ हैप्पीनेस। और अगर मैं ये कहूँ कि अब क्योंकि परिवार की स्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाती हैं, सिक्योरिटी से लेकर बाकी सारी चीज़ें, क्या आपको लगता है कि जीवन में कुछ परिवर्तन भी आएगा? जी, जीवन में कुछ परिवर्तन भी आएगा, क्योंकि स्थितियां बदल जाती हैं जब आप मुख्यमंत्री का परिवार बन जाते हैं, सिक्योरिटी से लेकर बाकी सारी चीज़ें, उनका कैसे ध्यान रखेंगे, वो आपके लिए बदलाव होगा जिंदगी? आज तक तो, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ बदलाव होगा, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे सरल रहे हैं, अभी भी वैसे ही, मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही रहेंगे। ऐसा सच तो कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ तो वो तो मेरा पेशा वही रहेगा, और हमारा मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी में कुछ ऐसा फ़र्क पड़ेगा। उज्जैन वैसे ही बहुत सिक्योर है, कभी भी मैं रात बेरात डिलीवरी ऑपरेशन करवाने जाती हूँ तो बिल्कुल कोई डर नहीं रहता, कभी भी 2 बजे 3 बजे किधर भी। लोग बोलते हैं थोड़ा प्रॉब्लम है, बट हाँ है वो थोड़ा बहुत जो भी, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ इनसिक्योर सिक्योरिटी के मामले में। डॉक्टर बेटी की चीफ मिनिस्टर पापा को क्या एडवाइस होगी? मैं एडवाइस तो क्या, शुभकामनाएं प्रेषित करूंगी पापा को कि जितनी मेहनत लगन से वो बचपन से, जब से मैं तुमने देखा है तब से वो काम कर रहे हैं, जिस डिसिप्लिन से और जो मेहनत से वो वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही काम करेंगे तो ऑलरेडी एमपी और उज्जैन बहुत नेक्स्ट लेवल हाइट्स पे जाने वाले हैं। बड़ी बातें हैं, और परिवार के साथ भाव विभोर, भाव भावनाएं कैसे व्यक्त करेंगी आप, ये बताइए ना। जी बिल्कुल, भावनाएं तो देखिए, घनश्याम जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज 25-30 साल से एक परिवार के साथ जुड़ा रहना, भाई मुख्यमंत्री बन गया। हमें बहुत पापा का उत्साह है और खुशियाँ मिली है कि उज्जैन को इतना अच्छा मौका मिला है, और वैसे तो मोहन जी हमेशा विकास कार्य करते रहे हैं, जब जब किसी पद पर रहें, विकास प्राधिकरण के पद पर रहें या दूसरे पदों पर रहें, निश्चित रूप से उन्होंने विकास किया है, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे उज्जैन के लिए ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए कि एक विकास पुरुष विकास की ओर अग्रसर होकर। आपके लिए कितना उत्साह, जैसे ही सुना हमारे मोहन भैया सीएम बन गए, हम तो उछल के कूद के गिर, बिल्कुल कूद गए। मुझे तो डांस करना भी नहीं आता है, लेकिन तब भी डांस कर लिया, और उनको विकासपुर, मैं तो चूंकि इस परिवार से बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, पर वो विकासपुर जैसा, और जितनी सादगी मैंने मोहन भैया में, हमारी सीमा भाभी, कलावती दीदी, मतलब इस परिवार में जो देखी है, और यहाँ के बच्चों में जो संस्कार देखे हैं, मतलब काना भी है, जब भी मेरे को देखता है भरी स्वभाव, फौरन पैर छूता है, मतलब इतने बड़े उसके होके जैसे बच्चों में एटीट्यूड आ जाता है, वो कोई बात नहीं है। और हमारे विकास पुरुष, हमारे मोहन भैया, आप तो मतलब स्वर्णिम कार्यकाल रहना ही है, और हम सब के लिए तो बहुत ही उत्साह और बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारे उज्जैन के इसी राज्य में लाडली बहन योजना चली, आप तो लाडली बहन से बड़ी बहन भी हैं, तो अब क्या कहेंगे, ये जीत के सहरे के बाद अभी बहनों का क्या संदेश है भाई को?
बिल्कुल, भैया का भी अपनी बहनों के प्रति बहुत स्नेह रहता है। वो अपने चुनाव क्षेत्र में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर हर वार्ड में हर बूथ पर जाकर हजारों बहनों से राखी बंधवाते हैं रक्षाबंधन के समय। ये विगत करीब 9-10 सालों से चला आ रहा है। और उसके बाद जब संक्रांति आती है, वो भी मालवा में बहन बेटियों का त्यौहार माना जाता है, उसमें भी सब बहनों को, जिन बहनों से राखी बंधवाते हैं, प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक बूथ पर जाकर चूड़ा वितरण का कार्यक्रम बहनों के बीच में करते हैं। तो बहनों के साथ उनका एक स्नेह का और रक्षा सूत्र का संबंध तो है ही, तो निश्चित रूप से लाडली बहना भी उनकी अति लाडली बहना है। अति लाडली बहना भी होंगी, और पूरा परिवार जब एक साथ होता है तो वो उत्साह का नज़ारा ही अलग होता है। मिठाइयाँ हो या फिर सबका एक साथ होना, आपके लिए कितना खुशी का दिन है आज? बहुत बहुत खुशी का दिन है। हम तो वाकई में बड़े भाई साहब मोहन जी भाई साहब ने हमेशा चौंकाने वाले काम करे हैं। जब परिषद में काम थे तो और भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री बने थे, जब भी बहुत चौंकाने वाला काम करा था। ऐसा ही अभूतपूर्व काम को है और विकास पुरुष के नाम पे तो जाने जाते हैं। और मध्य प्रदेश में एक बहुत ही ऊंची काम करके और एक भारत का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। सीमा जी, मुझे ये बताइए कि इतने वर्षों के रिश्ते में सबसे ज्यादा क्या बदला है? क्या बदला? क्योंकि जब से आप ब्याह कर आई हूँ और अभी तक में क्या बदला है आपके रिश्ते में? मैं तो जैसे थी वैसी हूँ, ऐसा कोई बदलाव ज़्यादा कुछ भी नहीं आया है। सब अच्छा ही होता रहा जो भी हुआ है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखेंगी? अब उनके सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, तो अब तो काम तो बढ़ना ही है, इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है। तो ये बड़ी बात है, और पूरा परिवार एक साथ है। परिवार ही नहीं, पूरा इलाका कहूँ या पूरा गांव कहूँ या पूरा शहर कहूँ, जो उज्जैन जिस तरह से प्रफुल्लित है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल।